वोकार्ड हॉस्पिटल नागपुर हमेशा लोगों के जीवन के बारे में सोचता है। इस हेल्थ केयर ग्रुप के मरीज उनकी प्राथमिकता है। इसी श्रृंखला में हाल ही में वोकार्ड हॉस्पिटल नागपुर में एडल्ट वैक्सीनेशन का उद्घाटन किया गया। इस दौरान इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अश्विनी ताड़े ने वयस्कों के टीकाकरण और उनके लाभों के बारे में बताते हुए कहा कि वयस्क टीकाकरण का तात्पर्य बचपन, किशोरावस्था, वयस्कता और वृद्धावस्था में व्यक्तियों को टीका लगाना है। टीकाकरण निवारक स्वास्थ्य देखभाल की आधारशिला है, जो संक्रामक रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है, जिनके व्यक्तियों और समाज पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे वयस्क टीकाकरण के लाभों के बारे में भी जानकारी दी। वयस्क टीकाकरण इन्फ्लुएंजा, निमोनिया और शिंगल जैसी गंभीर बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो विशेष रूप से घातक हो सकती है। टीकाकरण आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सुनिश्चित करके हम सामूहिक रूप से इम्यूनिटी निर्माण करते हैं और उन लोगों की रक्षा करते हैं जो अधिक असुरक्षित हो सकते हैं, जैसे कि बुजुर्ग या कमजोर इम्यूनिटी वाले व्यक्ति। कोविड के बाद बाल चिकित्सा टीकाकरण कार्यक्रम में रुकावट या अपूर्णता के कारण सिर की इम्यूनिटी क्षमता कम हो गई है और हमने वयस्कों में चिकन पॉक्स और कंठमाला के रोगियों जैसे संक्रमणों में बड़ी वृद्धि देखी। बच्चों को टीका लगाना अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन वयस्कों को भी इन संक्रमणों से खुद को बचाने की आवश्यकता है, जो वयस्कों में बड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं। एडल्ट वैक्सीनेशन मतलब बड़ों का जो टीकाकरण है ना, वो कंसेप्ट बहुत कॉमन नहीं है, उसके बारे में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को जानकारी नहीं है। जैसे बच्चों का वैक्सीन है, हम बच्चों को रेगुलर वैक्सीन के लिए लेके जाते हैं, हमको पता है कि उनका शेड्यूल होता है, बर्थ देना है, 9 मंथ देना है, 10 ईयर्स देना है। बट सेम अडल्ट के लिए कंसेप्ट लोगों के क्लियर नहीं है कि हमको वैक्सीन की ज़रूरत है। सो अडल्ट को वैक्सीन की ज़रूरत क्यों है? एक की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है प्रतिकार शक्ति कम होती जाती है, दूसरा बहुत सारी बीमारियाँ हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर, वो सब में इम्यूनिटी कम होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है। फिर जो हम बचपन में वैक्सीन लेते हैं उसका एक्चुअली जो प्रोटेक्शन होता है वो कुछ साल बाद घटना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क होता है। जैसे अभी हम देख रहे हैं, आज ही एक पेशेंट मैंने देखा मम्स। सो आइडियली हम मम्स वैक्सीन पीडियाट्रिक इसमें लेते हैं, बट उसके बावजूद भी जो प्रोटेक्शन कम होता है। या दूसरी चीज़ है कि कोविड में जो पीडियाट्रिक वैक्सीन हैम्पर हुआ है, उसकी वजह से भी अडल्ट इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। सो वो सब कहीं ना कहीं हम रोक सकते हैं वैक्सीन से, और कोविड में हमने ये सीखा है कि वैक्सीन सेव्स अस अ लॉट, सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। एडल्ट्स के लिए उसी कंसेप्ट में अडल्ट वैक्सीनेशन की जरूरत है। एज ग्रुप रखा हुआ कि एडल्ट्स के लिए? एडल्ट्स नहीं, हर कोई वैक्सीन के लिए एलिजिबल होता है, इंक्लूडिंग एडोलेसेंस एंड अडल्ट, डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क फैक्टर कि आपको एज क्या है, कोमोबिलिटीज क्या है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, अस्थमा है, वो हिसाब से आपके वैक्सीन की जरूरत है। वायरल फीवर काफी बढ़ रहा है, लोगों की इम्यूनिटी कम हो गई, ऐसे में ये कितना बेनिफिशियल है ये वैक्सीनेशन? फ्लू वैक्सीन होता है, फ्लू वैक्सीन हर साल लेना होता है और हर किसी को लेना जरूरी है, स्पेशली जो एल्डरली है, डायबिटीज है, कैंसर या और कुछ इम्यून सिस्टम डाउन वाले पेशेंट है, उन्होंने हर साल फ्लू वैक्सीन लेना चाहिए। फ्लू वैक्सीन लेने के बाद आपका फ्लू का कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएगा। और दूसरा चीज, अगर आपको फ्लू होता भी है, बिकॉज इट इज नॉट 100% प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑल इन्फ्लुएंजा और वायरल इन्फेक्शन, सो एटलीस्ट फ्लू होता है तो आपको कॉम्प्लिकेशन कम होगा। जनमानस में आपका क्या एक मैसेज होगा कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन लेना चाहिए? अडल्ट वैक्सीनेशन के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए और हर किसी ने अपना वैक्सीनेशन स्टेटस अपडेट रखना चाहिए। टीकाकरण से रोकी जा सकने वाली बीमारियों के इलाज से जुड़े आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलती है। यह एक लागत प्रभावी रणनीति है जो न केवल लोगों की जान बचाती है बल्कि स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर तनाव भी कम करती है। टीकाकरण उन बीमारियों की घटनाओं और गंभीरता को कम करके एक स्वस्थ, अधिक उत्पादक समाज में योगदान देता है, जो किसी व्यक्ति की काम करने और एक पूर्ण जीवन जीने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।